स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ शेरशाह शेरशाह सूरी दैट वाज द बिल्डिंग ऑफ़ सड़क आज़म सो क्वेश्चन नंबर नाइन इज वाई वाज द बिल्डिंग ऑफ सड़क आज़म यूजफुल फॉर शेर गवर्नमेंट इट्स आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर थर्टी फाइव द ग्रैंड ट्रंक रोड ग्रैंड ट्रंक रोड इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन से जी टी रोड ठीक है और आप सब लोग जो हो वो जी टी रोड के नाम से फेमिलियर हो तो बेसिकली जो जी टी रोड है वो बनाई किसने थी शेर शाह सूरी ने शेर शाह ग्रेटेस्ट फीट ग्रेटेस्ट फीट कहते हैं नोटेबल अचीवमेंट को फीट का मीनिंग है शेर शाह ग्रेटेस्ट फीट वॉज द बिल्डिंग ऑफ रोड फ्रॉम सोनार गाँव इन बंगाल टू अक्रॉस द रिवर इंडस इन द पंजाब अच्छा जी शेर शाह सूरी की ये एक सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी और वो क्या थी कि उसने ये रोड बिल्ड की थी जो स्टार्ट होती थी फ्रॉम सोनार गांव इन बंगाल से लेकर फिर रिवर इंडस को क्रॉस करते हुए पंजाब तक जाती थी तो इट uh, वाज़ 1500 माइल्स लॉन्ग एंड वाज़ कॉल्ड सड़क आज़म 1500 माइल्स लॉन्ग थी uh, और इसको क्या कहते थे सड़क आज़म या ग्रैंड रोड ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड अच्छा अब इस रोड के बोथ साइड पे जो थे वो ट्रीज़ किए गए थे जो इस रोड की खूबसूरती में भी इजाफा करते था और सेकेंडली शेड भी प्रोवाइड करता था आ, वर बिल्ट ऑल अलोंग द रोड्स कॉन्वरसरीज कहते हैं सराय खाने को यानी जहाँ पे कोई गेस्ट हाउस आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो तो आ, हर रूट पे जो थे वो कॉन्सरीज़ कार्ण, बनाई गई थी वेयर हार्सेज कोड बी एक्सचेंज और रेस्ट जहाँ पे हॉसेज जो थे वो एक्सचेंज किए जाते थे और सेकेंडली वहाँ पे लोग रेस्ट भी करते थे फूड एंड लॉजिंग बर प्रोवाइड फॉर ट्रेवलर्स। फूड एंड लॉजिंग फूड आपको पता है ख़ुराक और लॉजिंग कहते हैं uh, रात गुजारने की कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर रात इजीली uh, गुजारी जाए बगैर किसी ख़तरे के बर प्रोवाइड फॉर ट्रैवलर्स एंड मार्किट टाउन्स डेवेलप नीर दर फूड एंड लॉजिंग वर प्रोवाइड किसको ट्रैवलर्स जो वहाँ से गुजरने वाले लोग थे या जितने मुसाफिर थे उन सबको ख़ुराक भी मुहैया की जाती थी और सेकेंडली उनके आराम के लिए उनके रिहाइश के लिए भी ऐसे छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बनाए दिए बनाए गए थे एंड मार्केट टाउंस डेवलप नियर द सराइज और एक तरह की छोटी छोटी सी मार्केट और टाउन बना दिए थे उस जहाँ पे ट्रैवलर्स स्टे कर सक कर सकते थे उसके आसपास की जगहों पे अब इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले लो लाइक जैसे आप मोटर वे पर ट्रैवल अपने करते हो तो आप क्या होता है कि आप कहीं स्टे करते हो तो आप नोट करोगे कि वहाँ पर मस्जिद भी आपको छोटी सी मिलेगी और खाने के लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी शॉप्स मिलेंगी कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से ख़रीद सकते हो तो इस तरह से उन उनके टाइम पीरियड में इस जो रोड थी यानी उस रोड पे क्या था कि जगह जगह पे एक तो सराइज बनाए गए थे और वहाँ पे मार्केट और टाउन भी बनाए गए थे इम्प्रूविंग ट्रेड ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली ये जो रोड थी रोड क्या करती थी कि रोड का क्या बेसिक पर्पज़ था के हाँ वहाँ पे ट्रैवलर जो थे वो अब एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते थे सेकेंडली ट्रेडिंग का काम कर सकते थे यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये रोड जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी अ क्विक पोस्टल सिस्टम वॉज़ पुट इन प्लेस विद न्यू विद न्यूज़ राइटर्स एंड न्यूज़ कैरियर्स अच्छा फिर एक क्विक पोस्टल सिस्टम बनाया गया वहाँ पे जो क्या करता था ऐसी जगह बनाई गई पोस्टल सिस्टम की जहाँ से आप मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें ठीक है, है? क्योंकि पहले आपको पता है कोई ऐसे मोबाइल्स वगैरह नहीं थे तो क्या था कि पोस्टल सिस्टम बनाया गया विद न्यूज़ राइटर जहाँ पे उन लोगों को बिठाया गया जो न्यूज़ लिख सकते थे यानी अच्छे अल्फाज में राइटर्स थे जो न्यूज़ राइटर्स थे और न्यूज़ कैरियर यानी एक ख़बर को दूसरी जगह तक कैरियर्स जो पह पहुँचाने वाले लोग थे उनको कहते हैं ठीक है, है? यूज़िंग दीज फैसिलिटीज़ वो उन तो ये facilities भी की ठीक है? यानी जो क्विक था, उसमें क्या दी रखे रखे गए और रखे गए। और एरिया ऑफर मेनी जनरेशन टू कम शेर शाह की जो ये एक अंदेशी थी इससे क्या हुआ कि अच्छा जी शेर शाह की जो ये कह लो जो थी वो उसकी वजह से उससे सिर्फ उसके टाइम पीरियड में यानी उनकी अपनी गवर्नमेंट को सिर्फ फ़ायदा नहीं मिला था बल्कि आने वाली बहुत सारी जनरेशन जो थी वो इससे कह लो फ़ैज़ हुई थी यानी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था और सबसे ज़्यादा जो था उनके बाद क्योंकि मुग़ल आए थे तो मुग़ल ने आगे इनको फ़र्दर और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया सो तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन फर्स्ट आप हेडिंग टे तो द ग्रैंड ट्रंक रोड फिर शेर शाह ग्रेटेस्ट फीट, फीट से लेकर जनरेशन टू कम तक सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टेक केयर स्टूडेंट हैव अ ग्रेट डे अल्लाह हाफिज